आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। हजारीबाग जिले के चौपारण पश्चिमी वन प्रमंडल विभाग कार्रवाई के दौरान दो बैलगाड़ी सहित 6 बोटा लकड़ी जब्त करने में सफलता हासिल की। वन विभाग को बीते दिन गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल से लगातार लकड़ी काटी जा रही है। इसकी सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी ने टीम तैयार कर रात 12 चौक के नजदीक जंगल के रास्ते छापेमारी अभियान चलाकर बरजादास केंदुआ निवासी रिजवान अंसारी पिता मोहम्मद यूनुस को रंगे हाथ पकड़ लिया। जहां पुलिस को देख रिजवान अंसारी ने वन विभाग वाले पर डंडे से वार कर दिया, जिससे उन्हें माथे पर चोट भी आई और हाथापाई के दौरान उनकी वर्दी भी फाड़ दी, पर अंधेरे का फायदा उठाकर सभी भागने में सफल रहे। घटना स्थल पर से लकड़ी का बोटा को जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रिजवान पर 1 माह पूर्व भी जंगल से लकड़ी लाते वन विभाग वाले ने पकड़ कर उन पर केस किया था। इसके बाद भी वो अपना काम से बाज नहीं आ रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी एसएस सिंह ने कहा कि उन पर थाने में एफआईआर दर्ज कर जल्द ही उन पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौके पर पंकज कुमार, अजीत कुमार गंजू, राजा कुमार, राजकिशोर यादव, सुखदेव यादव शामिल थे। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, बीती रात एक बैलगाड़ी के द्वारा जंगल से मतलब लकड़ी काट के लाया गया, जो कि वन विभाग द्वारा पकड़ा गया, क्या पूरा मामला है? पूरा गुप्त सूचना के आधार पर कल रात 11 तारीख के लगभग 2 बजे रात्रि में पेट्रोलिंग के क्रम में हम लोग बैलगाड़ी को बोटा लाते हुए लखावर जंगल से बोटा लाते हुए हम लोग पकड़े। अब पकड़ने के क्रम में अभियुक्त तो लोग फरार हो गए और हम लोग पकड़ करके सीज करके ले आए वन क्षेत्र कर डाला जो अपार। कितने गाड़ी थे इसमें? 2 बैलगाड़ी। तो उन लोग की पहचान हो गई? पहचान हुई। फर्स्ट मुदाले पहचान है रिजवान अंसारी। हाँ, दूसरा? दूसरा अभी पहचान नहीं किया गया, पहचान करके हम लोग करवाए। तो क्या उन लोग नहीं पकड़ाए? नहीं पकड़ाए नहीं, हम लोग करवाए करके इसके विशेष में हम लोग भेज रहे हैं न्यायालय। तो मालूम चला कि उन लोगों ने मारपीट भी किए हैं? हाँ, मेरा स्टाफ के साथ है, हम लोग भी थे, स्टाफ के साथ है, मारपीट किए हैं, वर्दी भी फाड़े हैं और स्टाफ को काफी चोट भी लगी है लाठी से भागने के क्रम में, पूरा लाठी चलाया है। इसी क्रम में इनका बैलगाड़ी पकड़ने में हम लोग को काफी प्रयास लगा है और किसी हालत से हम लोग पकड़ के वहाँ से चल दिए। तो मालूम चला कि पहले भी वो केस उन पर पहला केस में उसका बैलगाड़ी में 84 लोड 3 गाड़ी हम लोग पकड़े हैं 1 महीना पहले और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। उन्हीं के द्वारा रिजवान के ही द्वारा हो किया गया।